अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम तीन तरीकों से फ्राइड चिकन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है लाजमी से, मेरे वीडियोज़ को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो है जी स्ट्रिप फ्राइड चिकन। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने ले लेना है हाफ के जी चिकन और उसको ऐसे स्ट्रिप में कटिंग कर लेनी है, ब्रेस्ट पीसीस लेने हैं और उसके बाद उसमें सोया सॉस डाल देना है, नमक डालना है और ब्लैक पेपर डाल देना या शेडेड जिंजर डालनी है, रेड चिल्ली पाउडर डाल देना और उसको मैरिनेट कर देना है 20 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे जी हमारे पास अंडे हैं फटे हुए और कॉर्नफ्लावर है और ब्रेड क्रम्स हैं। और पहले आपने मैदे में कोटिंग की, फिर अंडों में और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई कर लेना है 50% ऑयल में और उसको 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। और सेकेंड जो रेसिपी है हमारी वो है जी बारबेक्यू फ्राइड चिकन। तो उसमें भी ऐसे ही आपने ब्रेस्ट पीसेस लेने हैं और हाफ के जी चिकन लेना है और उसकी आपने कटिंग कर लेनी है स्ट्रिप्स में, जैसे आपने पहले की है। स्ट्रिप्स में कटिंग करने के बाद जो मसाले इसमें जाएंगे वो है जी इसमें चॉप जिंजर जाएगी, आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, और क्रश चिली पेपर जाएगी और बारबेक्यू मसाला जाएगा। बस इसको आप मिक्स करना है, मैरिनेट कर देना है 10 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे टू जो स्पून है वो मैंने कॉर्नफ्लावर के डाले, सॉल्ट डाला, वाइट पेपर डाली और दो अंडे डाले और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसको हमारा जो मैरिनेटेड चिकन था उसमें डाल के फ्राई कर देना है 60% ऑयल में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक। तो जी जो तीसरी रेसिपी है वो है जी KFC स्टाइल चिकन की। तो उसमें भी ऐसे आपने क्यूब्स में काट लेना है ब्रेस्ट पीसीस को, सोया सॉस डालना है, उसमें नमक डाल देना है, चिल्ली पाउडर डाल देना है और ब्लैक पेपर डाल देना है, मिक्स कर देना अच्छे से। और यहाँ पे हमारे पास चिकन पाउडर, फ्राइड चिकन पाउडर है, उसमें आपने इसकी कोटिंग करके फिर पानी में डालना है। पानी में डिप करने के बाद अगेन कोटिंग करनी है इसकी और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक लो हीट पे फ्राई कर ले। तो ये हमारे KFC स्टाइल चिकन रेडी है। जो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को।